हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस कुल्फ़ी के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही है, तो मैंने सोचा फिर से अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को चेरिश किया जाए, इन्जॉय किया जाए और घर पे सबको ये कुल्फ़ी बना के खिलाई जाए। तो ये कुल्फ़ी बहुत स्पेशल है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में हम मिल्क ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है। तो आप मिल्क कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मिल्क एकदम फ्रेश होना चाहिए और वो कच्चा होना चाहिए। अगर बॉयल किया हुआ मिल्क आप लेंगे तो आपकी आइसक्रीम में घी आ जाएगा और फिर उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बस अब हम दूध को पकाना शुरू करेंगे और दूध को हमें लगातार चम्मच से चलाते रहना है, हर 2-2 मिनट के गैप में। दूध यहाँ पर उबलना स्टार्ट हो गया है और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये 1/3 ना रह जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहीं पर खड़े रहकर फुल आंच पर भी इसको बना सकते हैं। लगातार दूध को चम्मच से हिलाते रहिए और अगर आपको बीच में काम है तो फिर आप इसे सिंपल रख के चले जाइए और बीच बीच में इसे स्टर करते रहिए, तो ये कुल्फ़ी साइड बाय साइड बनती रहेगी। इसके लिए आपको किसी स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस इसे चलाते रहना है आपको, इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो कई बार तले में कुल्फ़ी लग जाती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बीच बीच में मलाई भी आएगी दूध में, तो बस इसे भी मिक्स करते जाएं और दूध को लगातार चम्मच से चलाते रहें। तो अब दूध यहाँ पर आधा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून जितनी इलायची, ये भी ऑप्शनल है। बस इसे फिर से थोड़ा सा उबलने देते हैं। जब दूध हाफ हो गया है तब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप शुगर। शुगर को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, आजकल कई लोग फीका खाना पसंद करते हैं, कई लोग मीठा खाते हैं, तो आप 3/4 कप जितना भी ऐड कर सकते हैं शुगर को, पर मैंने यहाँ पर 1/2 कप शुगर ऐड किया है। और बस इसे फिर से थोड़ा सा उबलने देते हैं और आप देखेंगे कि अब ये दूध बिल्कुल 1/3 रह गया है। और लास्ट ईयर मैंने एक मावा कुल्फ़ी की रेसिपी भी शेयर की है, अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि दूध एकदम 1/3 जितना रह गया है, कलर भी आप देख सकते हैं कि एकदम चेंज हो गया है और एकदम दानेदार मिल्क हो गया है यहाँ पर। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा। मिल्क यहाँ पर ठंडा हो गया है और अब हम कुल्फ़ी जमा लेते हैं और उन्हें इस तरह से मोल्ड में भर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह के छोटे कांच के बाउल का यूज़ किया है। आप कुल्फ़ी मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्पोजेबल में भी जमा सकते हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें जमा सकते हैं। बस तो सारे मोल्ड्स मैंने इसी तरह से फिल कर दिए हैं। कुल्फ़ी को मोल्ड्स में डालने के बाद इसे ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे और फॉइल पेपर के बीच में एक कट लगाकर इसमें इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे। और अब इसे सेट होने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट के लिए या फिर 8 से 9 घंटे के लिए। तो बस 8 से 9 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फ़ी एकदम बनकर तैयार है। कुल्फ़ी को निकालने में कई बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा पानी में डिप कर देते हैं तो वो इजीली बाहर आ जाती है। और इस तरह से मैं हाथों से इसे थोड़ा सा रोल कर रही हूँ, तो हाथों की हीट से ही वो कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दानेदार मलाई कुल्फ़ी बनकर एकदम तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 लीटर मिल्क से हमारी इतनी सारी कुल्फ़ी बनकर तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। और आपकी कौन सी बचपन की यादें इस कुल्फ़ी के साथ जुड़ी है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।